हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो इस वीकेंड पे जो है ना, ढेर सारा काम करवाया मैंने घर पे और खुद भी ढेर सारा जो है ना काम किया। एक्चुअली मैं जो है ना पेस्ट कंट्रोल करा रही थी आज अपने किचन में, और यू नो जब 6 महीने में बेड रेस्ट पे थी और मेरा किचन, मेरा घर जो कि मैंने जो है ना जिसे चलाने के लिए बहुत सारे यू नो डोमेस्टिक हेल्पर्स का यू नो सपोर्ट लिया था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ना थोड़े थोड़े से इंसेक्ट कॉकरोचेस वगैरह मेरे घर पे मेरे किचन में आ गए। यू नो जब आप कितनी भी अच्छी हेल्पर क्यों ना हो, बट अपना हाथ होता है और आप किसी की हेल्प लेते हैं ना, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो उस दौरान पे जो है ना मेरे किचन में थोड़े थोड़े से जो है ना कॉकरोचेस आने स्टार्ट हो गए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी कि उन्हें जो है ना हिट वगैरह से कंट्रोल करके, बट नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली जो है ना मैंने ये डिसाइड किया कि पेस्ट कंट्रोल करवा दिया जाए किचन में। तो बस हमने जो है ना अर्बन कंपनी में स्लॉट बुक किया हुआ है, और उसके पहले मैं यहाँ पे जो ना ब्रेकफास्ट, बच्चों का दूध, चाय और लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने जो ना सिंपली आलू उबाल के, जो हमने थोड़े बहुत मसाले डाल के सैंडविच बनाते हैं, तो बस वो सिंपल वाली सैंडविच बनाई है। एक एक सैंडविच बच्चों ने खा ली, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैंडविच मैंने जो है ना बना के रख दी है, सो दैट जब मैं किचन की क्लीनिंग में बिजी रहूं तो बच्चे जो है ना अपना कुछ ना कुछ उनके लिए पास जो है ना ऑप्शन हो खाने के लिए। तो बस हस्बैंड को, मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसे मैंने जो है चाय दे दी, और यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच के लिए जो है ना मैं नॉर्मल सी दाल और चावल बस यही चढ़ा रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आज ढेर सारा काम है किचन में। तो वो सारा काम करने के पहले जो है ना मुझे बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच का जो है ना प्रॉपर सब कुछ प्लान करके रखना है। तो बच्चों के लिए जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ सेट करके रख दिया, और अब जो है ना किचन को पूरा खाली करना है। कुकर में मैंने साइड बाय साइड चावल चढ़ा दिए हैं, हालांकि उन्हें ठंडा खाना पड़ेगा, बाद में गर्म नहीं रहेंगे, बट इट्स ओके, एटलीस्ट होममेड फूड तो रहेगा घर पर। तो अचार के साथ जो है ना दाल चावल आज खा लेंगे लंच में, सिंपल सा। इस व्लॉग में मैं आपके साथ कोई रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट अपना जो है ना एक वीकेंड का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना सारे कबर्ड, सारे किचन को जो है मुझे खाली करना था, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल वाले भैया ने कहा था कि पूरा मैडम आप किचन खाली कीजिए, उसके बाद ही जो है ना उसमें केमिकल स्प्रे होगा, और उसके बाद जो है ना किचन को बिल्कुल पोंछना नहीं है, ना सूखे कपड़े से, ना गीले कपड़े से, सारी चीज़ें बस ऐसे ही रख देना है क्योंकि केमिकल का स्प्रे होगा उस पर। तो यहाँ पे ना आशीष मेरी हेल्प कर रहा है नीचे के जो शेल्फ है ना उनके सामान निकालने में, बिकॉज मुझे यू नो नीचे बैंड नहीं होना है, झुक के काम करना मुझे मना है। और मेरी डोमेस्टिक हेल्पर से जो है ना मैं थोड़े शेल्फ वगैरह क्लीन करा रही हूँ, सो दैट जो है ना स्प्रे होने के बाद डायरेक्टली हम इसमें सामान रख पाए, क्योंकि अर्बन कंपनी वाले जो भैया है ना उन्होंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनके स्प्रे करने के बाद किचन में जो है ना कपड़ा नहीं मारना है, डायरेक्टली सामान आपको रखना है। तो इसलिए मैं जो ना ये सारे जितने मेरे कंटेनर है ना उन्हें मैंने गीले कपड़े से जो ना गीले नैपकिन से पोंछ दिया, पानी में जो ना थोड़ा सा मैंने डिश वॉश जेल और थोड़ा विनेगर डाल के ऊपर से जो ना मैं सबको पोंछ दे रही हूँ, सो दैट यू नो अब खाली हो ही रहा है किचन तो थोड़ी बहुत सफाई हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना सारे जितने मेरे कंटेनर थे उन सभी को मैंने जो ना एक एक कपड़ा मार दिया अच्छे से, और आशीष ने और मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पर है दोनों ने मेरी जो ना फुल हेल्प की किचन को खाली करने में। तो देखिए पूरा किचन जो है ना हम यहाँ पे खाली कर चुके हैं, अर्बन कंपनी वाले भैया भी आ चुके हैं, वो जो है ना अपना पूरा केमिकल बॉटल को रिफिल कर रहे थे सो दैट वो प्रॉपरली पूरे किचन में स्प्रे कर सके, क्योंकि ये स्प्रे जो है ना इनके अकॉर्डिंगली पूरे खाली किचन में होता है, और स्प्रे के बाद जो है ना आपको उस सर्फेस को पोंछना बिल्कुल नहीं होता है, एज इट इज़ वो सरफेस रहता है, वो सरफेस पे अगेन से जब छुपे हुए कॉकरोच यहाँ वहाँ से आते हैं ना तो वो जो है ना फिर अपने आप जो है ना वहाँ पे मर जाते हैं। तो बस भैया ने जो ना किचन की ये स्प्रे की स्टार्टिंग की थी सिंक के नीचे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना सिंक के नीचे से ही ये जीव जंतु आते हैं, क्योंकि पानी का एक यू नो होता है ना आवक जावक वहाँ से। तो बस वहाँ पे जो है ना भैया ने स्टार्ट किया, और मेरे बेडरूम में, मेरे हॉल में जो है ना सारा किचन का सामान फैला हुआ है, जितने कंटेनर्स होते हैं और जितने डब्बे हैं ना पूरा बेडरूम और हॉल का हाल बेहाल लगा पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, आप देखिए पूरा जो है ना सामान किचन, क्योंकि
ये चीज होती है ना, जनरली हम दीपावली पे करते हैं, बट दीपावली के टाइम तक भी जो है ना ये सब जो थे ना कॉकरोच एंड ऑल थोड़े कंट्रोल थे, थोड़े थोड़े ये जो बढ़ रहे थे, तो इस समय ये पेस्ट कंट्रोल कराना ज़रूरी था। और देखिए अब किचन का पूरा सामान जो है ना यहाँ हॉल में शिफ्ट हो चुका है, जितने कंटेनर वगैरह थे ना हमने बाहर से तो अच्छे से एक एक बार पोंछ दिए, अब बस भैया करके जाएंगे ना ये स्प्रे, उसके बाद हम जो है ना इन्हें डायरेक्टली इनके प्लेस पे पूरा सेट कर देंगे। देखिए पूरा किचन का सामान बिखरा हुआ है हॉल में, तो एनीवेज ज़रूरी था ये कराना भी। तो यहाँ पे जो है ना भैया ने पूरा स्प्रे स्टार्ट कर दिया है, फुल फ्लैश में जो है ना पूरे किचन में स्प्रे हो रहा है, और मैं जो है ना बार बार किचन में जा जा के ना उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि भैया इस कॉर्नर में भी करो, उस कॉर्नर में भी करो, और इस स्टेज में ना अच्छा जो ना स्ट्रॉन्ग सी जो है ना स्मेल आ रही थी केमिकल की, तो मैंने बच्चों को आशीष को जो है ना उनके रूम में बिठा दिया और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप कोई भी इधर मत हो, क्योंकि ना ये जो केमिकल ये लोग स्प्रे करते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इवन दो दिन तक जो है ना इसका स्मेल ऐसा ही रहेगा ऐसा इन भैया का कहना था, लेट सी। बट लास्ट नाइट तक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, क्योंकि ये जो काम हमने कराया ना इसके बाद जो है ना हमें इस भैया ने कहा कि लाइट और दरवाजे बंद कर दीजिए, सो दैट जो अंधेरे में छुपे हुए जो भी कीड़े या कॉकरोच होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो केमिकल के उसमें जो है ना ऑटोमेटिकली अपने आप जो है ना किल हो जाएंगे। तो हमने जो है ना फिर इसके बाद कुछ भी काम नहीं किया, हम किचन को बंद कर दिए और लंच वगैरह तो मैंने तैयार कर दिया था वही खा लिया, एंड देन उसके बाद जो है ना हम बाहर चले गए थे डिनर खाने के लिए, बिकॉज कुकिंग वगैरह करनी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि मैम आप जो है ना आज रात को किचन में बिल्कुल बताइए इसको, इसे जो है एज इट इज़ छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने पूरा जो है ना किचन सेट करना है, तो इसलिए मैंने जो है ना डिनर बाहर ही प्लान किया। अभी जा रहे हैं डिनर खाने बाहर, रामेश्वरम कैफे हम जा रहे हैं रामेश्वरम कैफे हाईटेक सिटी फॉर डिनर, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। और अरे यार पूरा सस्पेंस खुल गया, मैंने आशीष को सरप्राइज दिया था, आशीष को बताया नहीं था हमने अभी तक हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी आशीष के सामने मैंने जो ना प्रॉब्लम में बोल दिया। तो चलो चलते हैं रामेश्वरम कैफे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, खाएंगे साउथ इंडियन डिनर। तो पहुंच चुके हम रामेश्वरम कैफे, एंड पूरा साउथ का टच दिया था। देखिए आप बाहर से ही ना फ्लावर रंगोली और एक पूरी कंप्लीट साउथ इंडिया वाला जो एक फील होता है ना वो इस रेस्टोरेंट में आ रहा था। एंड हमने फर्स्ट टाइम ही विजिट किया, टेस्ट एंड ऑल वाज रियली रियली एन अमेजिंग। अब देखिए इसका एम्बियंस देख के तो दिल खुश हो गया, बहुत ही सुंदर सा और डिजिटल मेनू है यहाँ पे, जिसमें जो है ना प्रॉपरली उनका हर एक रेसिपी जो है ना वन बाय वन डिस्प्ले हो रहा था, इवन कुकिंग प्रोसेस भी जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी, द वे दे कुक हाउ दे आर कुकिंग यू कैन सी इन दैट स्क्रीन, उसमें जो इडली बन रही है उसका बहुत ही जो है ना प्रॉपर एक वीडियो वहाँ पे जो है ना शो हो रहा था, सो दैट आपको एक आइडिया लगे। आशीष जल्दी ना लो बटर मसाला खाई ने घी। और इसका एम्बियंस देखिए आप कितना सुंदर एम्बियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल था पूरा जो रेस्टोरेंट था ना, और स्टाफ ही देखिए इनका ना 100 अबव तो स्टाफ था, पूरा ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, यू कैन सी क्लियरली व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, द हाइजीनिक लेवल एंड एवरीथिंग, द रामेश्वरम कैफे हाईटेक सिटी।
और यहाँ पे जो है ना सेल्फ ऑर्डर आप जो है ना ले सकते हैं। डिजिटल यहाँ पे आपको जो है ना काउंटर दिया गया है, डिजिटल स्क्रीन्स है जहाँ पे जो है ना आप एक एक मेनू देख के आपको जो भी चाहिए चूज कर सकते हैं। और इनका ओपन किचन देखिए, हर एक स्टाफ को जो है ना प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, हैट एंड एवरीथिंग इज देयर। सो ये हमने ऑर्डर किया था सांभर वड़ा और इडली, और टेस्ट तो सुपर से ऊपर टेस्ट। रियली आई लव इट अ लॉट। जबरदस्त है ना डिश, बहुत ही कुछ सुनो पर क्वालिटी मेंटेन नहीं रही। और तू भी ना बोलिए, दोनों मिल के आए ना। आशीष ये तो बस हमने जो ना फ्रेंड्स अपना डिनर खा लिया, साउथ इंडियन डिनर। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप हैदराबाद से हैं और अगर आप साउथ इंडियन फूड लवर है ना, तो ज़रूर ज़रूर से विजिट कीजिएगा द रामेश्वरम कैफ़े, हाईटेक सिटी। टेस्ट इज़ रियली अमेजिंग और आप जो है ना बार बार जाएंगे, ये जो है ना मैं श्योरली आपसे कह सकती हूँ, बिकॉज हम तो रिपीट करने वाले हैं, हमें बहुत ही पसंद आया। तो फ्रेंड्स हम जो है ना द रामेश्वरम कैफे से होकर आ गए और बहुत अच्छा लगा हमें। ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है वहाँ पे, अगर आप साउथ इंडियन फूड के लवर है ना तो अ मस्ट विजिट प्लेस है। टेस्ट बहुत अच्छा था, प्राइस भी रिजनेबल है, क्वालिटी, हाइजीन, साफ सफाई, सब कुछ जो एक आउटलेट फूड में चाहिए होता है ना। ओवरऑल इट्स 4 out of 5 आई मस्ट से। 5 इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सिटिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम है, एक ही मुझे प्रॉब्लम लगा कि सिटिंग प्लेस वहाँ पे नहीं है, आपको जो ना खड़े खड़े खाना है। तो छोटे बच्चों के साथ मुझे थोड़ी सी वो एक दिक्कत हो रही थी कि लग रहा था कि अगर बैठने का होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट स्टिल टेस्ट एंड ऑल वर्ड वेरी 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 नाइस, ऑसम।